दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद पहली बार मंत्रियों की बैठक अब अरविंद केजरीवाल लेंगे। इससे पहले जेल से एक संदेश भी भेजा है जिसमें कहा है कि मैं केजरीवाल हूं, कोई आतंकवादी नहीं। इस पर अनिल विज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी राजनीति की नई फिलॉसफी पेश कर रही है। पहले आई विदुर नीति, फिर आई चाणक्य नीति, अब आई है केजरी नीति। केजरी नीति में यही लिखा है कि इनके बड़े नेता जेल में रहेंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। अनिल विज ने कहा कि रही बात आतंकवादी शब्द की, तो वो शब्द उनके पंजाब के सीएम भगवंत मान केजरीवाल से जेल मिलने गए थे, तब उन्होंने ही इस्तेमाल किए थे। आम आदमी पार्टी ने एक पार्टी के कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए आपका राम राज्य नाम से वेबसाइट लॉन्च की है। इस पर अनिल विज ने कहा कि राम तो एक ही है और राम राज्य की कल्पना भी एक ही है। अब आम आदमी पार्टी वालों ने एक और राम खड़ा कर लिया। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने कहा कि भारत में केवल एक ही नेता हो भाजपा का, ये विचार अपमानजनक है। वे भाजपा का अग्निपथ योजना उनकी सरकार बनते ही वे रद्द कर देंगे। इस पर अनिल विज ने कहा कि समझ नहीं आता कि राहुल गांधी को हर रोज नई नई बातें कौन सिखाता है। भाजपा तो संगठन की पार्टी है, प्रजातांत्रिक पार्टी है। अनिल विज ने कहा कि देश में तीन या चार प्रकार की पार्टी है। प्रजातांत्रिक पार्टी जैसे भाजपा है, दूसरे जैसे कांग्रेस का कुनबा चला रहे हैं, जैसे कोई भी उच्च पोस्ट जो नेहरू गांधी परिवार को मिलती है। कुछ गैंग्स हैं जिन्होंने गैंग बनाई हुई है जो सरकारें चला रहे हैं, जबकि भाजपा संगठनात्मक पार्टी है। राहुल गांधी के बयान पर कि उनकी सरकार बनने पर अग्निपथ को रद्द कर दिया जाएगा, इस पर अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो रोज बोलते हैं वह देश की जनता जानती है। वह देश से जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी उसे पूरा कैसे करेंगे। राहुल गांधी अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे और उनके साथ 27-28 पार्टियां और भी हैं। जो राहुल गांधी बोलते हैं उसमें क्या 27-28 पार्टियां सहमत हैं? आज इनकी हालत पतली है और पीछे से भी पतली है, जिसमें महज 50 सांसद ही है। जो 50 सांसदों वाला कैसे देश का कानून बना सकता है? हाँ, ये लोगों का मनोरंजन कर सकते हैं जिसके लिए खुली छूट है। वहीं कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाने पर तंज कसते हुए अनिल विज ने कहा, जब हिमाचल प्रदेश एवं कर्नाटक में कांग्रेस जीती तब क्या प्रियंका गांधी सो रही थी? तब भी ईवीएम का प्रयोग हुआ था, तब वह क्यों नहीं बोली? अनिल विज ने कहा कि इन्होंने अभी से भूमिका बनानी प्रारंभ कर दी है कि हारने के बाद हम सभी ने कैसे रोना है, वे क्या कहना है, उसी की भूमिका ये अभी से बना रहे हैं। वहीं रणदीप सुरजेवाला को चुनाव आयोग ने हेमा मालिनी पर गलत टिप्पणी करने पर 48 घंटे तक चुनाव प्रचार न करने पर रोक लगाई है। इस पर अनिल विज ने कहा कि चुनाव आयोग ने ठीक किया ही, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बात कही है वो महिलाओं की शान के खिलाफ है। इस रोक से उनको बैठने के बाद उनको सोचने का मौका मिलेगा और वे समझते हैं कि वे अपने आप को ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे। देखिए, ये अब जो आम आदमी पार्टी है, इन्होंने राजनीति की नई फिलॉसफी ये लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। पहले थी विदुर नीति, फिर आई चाणक्य नीति और ये है केजरी नीति। केजरी नीति कई प्रकार के नए प्रयोग करके दिखा रही है और केजरी नीति में यही है कि इसके बड़े नेता जेल में रहेंगे और जेल के अंदर अच्छा वातावरण मिलता है, एकांत मिलता है और वहाँ से बैठकर ही ये सरकार चलाएंगे। ये आतंकवादी तो उनको उनके ही, जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर मिलने गए तो उन्होंने ही बार आके वो शब्द इस्तेमाल करा, उससे पहले तो किसी ने किया। अच्छे स्टोरी राइटर हैं, ये स्क्रिप्ट लिख लेते हैं और स्क्रिप्ट लिखने के बाद फिर ये उसको वैसे ही चलाते हैं। ये राहुल गांधी जी को कौन रोज नए नए ये बातें सिखाता है? भारतीय जनता पार्टी तो संगठन की पार्टी है, संगठन ही कोई नहीं। प्रजातांत्रिक पार्टी है, देश में तीन या चार प्रकार की पार्टियां प्रजातांत्रिक पार्टी, जैसे कि हमारी है पार्टी, जैसे कि एक ही कुनबा चला आ रहा कि उस पार्टी में कोई भी उच्च पोस्ट गांधी या नेहरू परिवार के बिना नहीं मिल सकती, उन्होंने रिजर्व कर रखी है। कुछ गैंग्स हैं, जो गैंग्स हैं उन्होंने गैंग बना रखे हैं और वो
सरकारें बना के लोगों को लूटते हैं। तो तीन तरह की ये सरकारें हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और इसमें हर स्तर पर संगठन बना हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर है, प्रदेश स्तर पर है, जिला स्तर पर है, नगर स्तर पर है, मंडल स्तर पर है, बूथ स्तर पर है और पन्ना प्रमुख तक है। नो मन तेल होगा ना राधा ना चाहिए। आप मुझे बताइए कि ये जो राहुल गांधी जी रोज बोलते हैं, ये मैं भी देश से जानना चाहता हूँ कि ये उसको पूरा कैसे करेंगे। आप अकेले तो चुनाव लड़ नहीं रहे, आपके साथ 27-28 पार्टियां और हैं, और जो आप बोलते हो उसमें क्या 27-28 पार्टियां सहमत हैं? वो सहमत हैं? और जो आज तुम्हारी हालत है, पीछे से भी पतली है, पीछे तुम्हारे 50 से नीचे नीचे आए एमपी दोनों इलेक्शनों में, तो 50 से नीचे वाला कैसे कोई कानून बना सकता है, कैसे देश का भविष्य बना सकता है, कैसे वो कर सकता है? हाँ, लोगों का मनोरंजन कर सकता है, उसके लिए खुली छूट है। राम तो एक ही है और राम राज्य की कल्पना भी एक ही है। अब ये आम आदमी पार्टी वालों ने एक और राम खड़ा कर लिया, अब ये तो समझने से परे बात है ना कि आप पार्टी का राम, ऐसा राम कौन सा है कि जो सिर्फ आम पार्टी का है? ये पूछना चाहता हूं कि जब हिमाचल में कांग्रेस जीती थी, ईवीएम से जीती थी, उस वक्त प्रियंका गांधी सो रही थी, तब क्यों नहीं बोली? कर्नाटक में जीती कांग्रेस, प्रियंका गांधी सो रही थी, उस वक्त भी ईवीएम यूज किए गए। ये तो एक ये भूमिका बनानी इन्होंने शुरू कर दी कि हारने के बाद हम सब लोगों ने जो रोना है वो क्या कहना है, उसकी भूमिका बना रहे हैं। हेमा मालिनी के खिलाफ